This video is brought to you by Howzat. Download the app now. विराट कोहली की इमेज अग्रेसिव क्रिकेटर की है, कभी कभी गुस्सैल क्रिकेटर की भी। चल, दूसरा कुछ तो लगा उसकी। अरे दूसरा हद दे। हाउज़ैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए, क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा, हाउज़ैट? दिस गेम इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज बी रिस्पांसिबली एट योर ओन रिस्क। हालांकि भारतीय टीम की कप्तानी संभालने के बाद से पिछले कुछ समय में विराट का गुस्सा कम हुआ है, लेकिन ये गुस्सा 14 अप्रैल को देखने को मिला इंडियन प्रीमियर लीग के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच में। मैच में हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनके इस फैसले को गेंदबाजों ने सही साबित किया और आरसीबी को 20 ओवर में 8 विकेट पर 149 रन के स्कोर पर रोक दिया। इस बीच आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने बनाए 29 गेंद पर 33 रन। 13वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली आउट हुए। जेसन होल्डर की गेंद पर विजय शंकर ने उनका कैच लिया। आउट होकर विराट जब पवेलियन वापस जा रहे थे तो वे काफी गुस्से में थे। इसी गुस्से में विराट ने अपने रास्ते में रखी एक कुर्सी पर कसकर अपना बल्ला मारा। विराट का ये गुस्सा काफी दिन बाद देखने को मिला। हालांकि अच्छी बात ये रही कि ज्यादा रन ना बनाने के बाद भी आरसीबी ने बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर मैच अपने नाम किया। टारगेट चेस करते हुए एसआरएच 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 143 रन ही बना सकी और आरसीबी ने मैच 6 रन से अपने नाम किया। आरसीबी के लिए शाहबाज अहमद ने 3, हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट लिए। 41 गेंद पर 59 रन बनाने वाले ग्लेन मैक्सवेल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। विराट कोहली ने मैच के बाद मैक्सवेल के साथ साथ गेंदबाजों की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैक्सवेल की पारी ने टीम को एक मोमेंटम दिया और बाद में गेंदबाजों ने अच्छा काम किया। कोहली ने कहा कि टीम को पता था कि 150 रन का लक्ष्य भी इस मैदान पर आसान नहीं होगा और इसलिए वे खुद को मैच से बाहर नहीं मान रहे थे। ये खबर आपके लिए लिखी अभिषेक ने। कैमरे के पीछे विभव और मैं मेघा, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे, अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकी, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बर्गर, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।